देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, एबीपी नेटवर्क पर ये खास कार्यक्रम आजाद हूं मैं लेकर आया हूं मैं शेखर सुमन। लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं आजाद हूं मैं। 1996 में शुरू हुई देश की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की दास्तान से आपको रूबरू कराने के लिए आज हम इस खास प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए। लेकिन यहां मौजूद खास मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के हर इंसान के सपनों को पूरा करने में जुटी कंपनी मोदी केयर की कहानी। हैव अ लुक। यूं तो सूरज सदियों से रोज आता है, लेकिन 30 मार्च 1996 को जब सूरज आया तो सिर्फ नया सवेरा नहीं, उसके साथ नए संकल्पों की एक नई रोशनी भी आई थी। इस रोशनी का नाम था मोदी केयर। ये नन्ही कोपल उसी वटवृक्ष का हिस्सा थी जिसे भारत भूमि पर रोपा था राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। साल था 1933। तब स्वदेशी जन जन का संकल्प था। आजादी के लड़ाई के उसी दौर में महाराजा ऑफ पटियाला के फाइनेंस मिनिस्टर रहे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी भी कुछ खास करना चाहते थे जिससे इस देश और इसके लोगों को फायदा मिले। स्वजन और स्वदेश हित के इसी ख्याल के साथ अपनी जेब में बस ये 400 रुपए और उद्योगों से राष्ट्र निर्माण का इरादा लेकर वो दिल्ली के करीब बेगमाबाद आए। यही बेगमाबाद अब बन गया है आज का मोदी नगर। इसी शहर में उन्होंने 1933 से 1972 के बीच 27 उद्योग लगाकर इसे एक इंडस्ट्रियल टाउन की पहचान दी। आजाद भारत में औद्योगिक विकास, समाज सेवा, शिक्षा में सुधारों जैसे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। महान उद्योगपति गुजरमल मोदी जी के कारोबार और राष्ट्र सेवा के संस्कार की विरासत को उनके बाद उनके बड़े बेटे कृष्ण कुमार यानी के मोदी ने संभाला। उन्होंने बदलते दौर में नए भारत के लिए जरूरी नई तकनीकों, सेवाओं और उत्पादों को भारत लाने के विजन के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया और मोदी ग्रुप को दुनिया के 120 देशों तक फैलाकर नई बुलंदियों पर पहुंचाया। पिता के सिद्धांतों और उनके नए विचारों के मिश्रण ने उन्हें एक बेहतरीन बिजनेस लीडर की पहचान दी और उन्होंने फिक्की, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और काशी जैसे देश विदेश के उद्योग जगत की बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व भी किया। 2019 में मल्टी बिलियन डॉलर्स के बिजनेस एम्पायर मोदी एंटरप्राइजेस की पहली महिला चेयरपर्सन बनी के मोदी की पत्नी डॉक्टर बीना मोदी। मोदी ग्रुप की कमान संभालने से पहले ही अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े ब्रांड्स की स्थापना करने वाली देश की कामयाब बिजनेस वुमन डॉक्टर बीना मोदी ने मोदी एंटरप्राइजेस की पीपल फर्स्ट की फिलॉसफी को कायम रखा है। उनकी लीडरशिप में मोदी ग्रुप ने लोगों और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित डॉक्टर बीना मोदी मोदी केयर फाउंडेशन की मेंटोर भी हैं। उनका एक ही मंत्र है, जो पाओ उसे समाज को वापस लौटाओ। अपने दादाजी की राष्ट्र निर्माण की सोच ने मोदी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य पिता के मोदी और माँ डॉक्टर बीना मोदी के बेटे समीर मोदी को भी बचपन से ही प्रेरित किया था। उन्हें हमेशा से अपने परिवार की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का आभास था। इसीलिए 90 के दशक में अमेरिका में पढ़ रहे समीर मोदी ने अपने दादाजी और पिताजी की तरह भारत में ही अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक नया आइडिया सामने रखा। ये आइडिया था भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का,
डायरेक्ट सेलिंग यानी अपने उत्पादों को आम लोगों की संख्या और उनकी शक्ति के इस्तेमाल से बेचना और बदले में उन लोगों को उस मुनाफे का सीधा हिस्सेदार बनाना। समीर मोदी के इस नए आइडिया में दम था और इरादे नेक थे, बस फिर क्या था, छोटे से निवेश, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करने के मंत्र ने देश के आम लोगों की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। मोदी केयर के बिजनेस कंसल्टेंट्स की मेहनत और विश्वास के दम पर 1996 से 2002 के बीच पहले 5 सालों में ही कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने लगी। इस बीच जीतने की जिद और खुद को साबित करने का जुनून दिखाते हुए समीर मोदी ने कलर बार नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड बनाया जो आज देश का एक लीडिंग ब्रांड बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने 7 दिन 24 घंटे खुलने वाले 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स की चेन देश में खोलने शुरू की। लेकिन अपने बिजनेस से ज्यादा उनका मन देश के लोगों को आगे बढ़ाने और उन्हें आर्थिक आजादी देने में था, इसलिए उन्होंने 2015 में एक बार फिर मोदी केयर के जरिए देश के लोगों को आवाज दी और कहा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। समीर मोदी मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर्वाधिक भुगतान करने वाले कॉम्पेंसेशन प्लान्स में से एक लेकर आए, साथ ही प्रोडक्ट्स रेंज में इनोवेशन, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी प्लान लाने जैसे कई बड़े बदलाव किए, जिससे मोदी केयर में लोगों का भरोसा पहले से कई गुना बढ़ गया। आज 14 कैटेगरीज में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 12,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और देश भर में 55 से ज्यादा मोदी केयर सेंटर्स के नेटवर्क के साथ मोदी केयर देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक है, जिसके साथ 53 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स जुड़े हैं। हर महीने इस आंकड़े में 2 लाख नए डायरेक्ट सेलर्स जुड़ते जा रहे हैं। इस साल अपने 25 बरस पूरे करने वाली मोदी केयर के जरिए समीर मोदी देश के आम लोगों को सही मायनों में आजादी दे रहे हैं। आजादी जी भर के कमाने की, आजादी खुलकर जीने की, आजादी अपने हर सपने को पूरा करने की। तो आप भी अब और इंतजार मत कीजिए, मोदी केयर के साथ सपने देखिए और उन्हें सच करने में जुट जाइए।